तो हम बात करने वाले हैं आजकल की मूवी के ट्रेलर को देखकर उसके बारे में बताएंगे कि कैसा इसका ट्रेलर है। और मैंने ट्रेलर देखा और ट्रेलर ओवरऑल आप बात करेंगे तो ट्रेलर बेहतरीन है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे थोड़ा से सुधार किया जा सकता था या फिर थोड़ा सा मुझे डर है। लाइक जैसे मुझे प्रभास का कैरेक्टर थोड़ा से रोबोटिक सा लगा, लाइक मुझे थोड़ी सी आदि पुरुष की याद आई, लेकिन फिर मैंने वहाँ से पलटी मार ली और फिर मैंने कंटिन्यू, फिर मैंने जो फोकस अपना किया, फिर मैंने ट्रेलर पे किया, फिर मैंने ट्रेलर देखा तो ट्रेलर में और भी कई सारी बेहतरीन चीज़ें लाइक बीएफएक्स, आप देख रहे हो तो बीएफएक्स जो है कमाल का है। लेकिन अब तुम गलती में उसके हॉलीवुड से सिनेमा से कंपेयर मत करने लगना प्लीज, क्योंकि कल की का बीएफएक्स का वाकई कमाल है। और यहाँ पर कुछ चीज़ों को बारे में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया, लाइक इन्वायरमेंट को लेकर मुझे लगता है कि थोड़ी सी बात होगी कि हो सकता है आने वाले टाइम में प्रकृति में जो बदलाव आए, पानी खत्म हो जाए, पेड़ पौधे खत्म हो जाए और हम जो है किसी नई चीज़ों पर डिपेंड होने लगे, या फिर पानी बहुत महंगा हो जाए, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा महंगे हो जाए, उनसे जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप इसमें देखेंगे। और आप यहाँ पे एक हो सकता है कि कोई एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला जो समाज को, सोसाइटी को, इस दुनिया को बचाने के लिए होगा। और यहाँ पर हमारे साथ देंगे जो हमारे छोटे मोटे रोबोट्स हैं वो साथ देंगे। बुज्जी का तो आपने देखा होगा कितना कमाल, उसकी जो जो बुज्जी ट्रेलर में है भाई, उसकी वॉइस डबिंग मतलब बेहतरीन है, बेहतरीन है। आज थोड़ी सी वॉइस डबिंग को लेकर याद आया तो उसमें एक कैरेक्टर था उसकी थोड़ी सी वॉइस डबिंग मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, बाकी ओवरऑल आप बात करेंगे तो बेहतरीन ट्रेलर है। और कमेडी की बात करें तो अगर ब्रह्मानंद है तो फिर कमेडी के बारे में सोचना या शक करना बुरा है, क्योंकि ब्रह्मानंद मतलब कमेडी। तो ओवरऑल ट्रेलर बढ़िया है और थोड़ा सा पीएफ फैक्टर कहीं कहीं हो सकता है, आपको भी हो सकता है, मुझे भी लग सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेलर जो बेहतरीन है वो मूवी भी अच्छी चले और हमारी उम्मीदों पर बेहतर उतरे और हमारा पैसा वसूल हो। तब तक के लिए बस इतना ही और मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में नए बाबू के साथ।